हेलो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं यम का चौथा भेद ब्रह्मचार्य के बारे में। ब्रह्म नाम ईश्वर का है, ब्रह्म नाम वेद का है और ब्रह्म नाम वीर्य का है। इन तीनों की प्राप्ति, अध्ययन और रक्षण करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। जो मनुष्य ईश्वर प्राप्ति के लिए परिश्रम करता है, उसकी उपासना करता है व उसकी आज्ञा का पालन करता है तथा वेदों को पढ़ता है और वीर्य की रक्षा करता है, वह ब्रह्मचारी कहलाता है। ब्रह्मचार्य के अनेकों लाभ हैं। ब्रह्मचार्य का प्रथम भाग ईश्वर की उपासना है। ईश्वर भक्ति करने से चित्त की एकाग्रता होती है और मन, इंद्रियां तथा शरीर मनुष्य के अधिकार में आ जाते हैं। ईश्वर साधना से असीम आनंद की प्राप्ति होती है और उसी से सारी कामनाएं भी पूरी होती हैं। सांसारिक विषय भोग की इच्छा ही समाप्त होती है। ज्ञान की प्राप्ति और अविद्या का नाश होता है। सत्य ज्ञान से सत्य कर्म होते हैं, अज्ञानता का नाश होता है। ईश्वर का उपासक ईश्वर के समान ही सभी प्राणी को समान दृष्टि से देखता है। व्यक्ति निर्भीत हो जाता है। परमात्मा की आराधना से मानसिक रोग जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग द्वेष से छुटकारा मिलता है। सहन शक्ति बढ़ती है। वेदों का अध्ययन करने से साधक को कई लाभ मिलते हैं। अच्छे बुरे कर्मों का गहराई से ज्ञान होता है। वेदों में ईश्वर का स्वरूप बतलाया कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है और ओम ईश्वर का मुख्य नाम है। वेदों में समझाया गया है कि ईश्वर ही मुख्य है, अन्य सभी पदार्थ गौण हैं। वेद के अध्ययन से मनुष्य को साध्य, साधक और साधन का परिज्ञान होता है। वेद के अध्ययन से व्यक्ति शुद्ध कर्म और शुद्धोपासना के स्वरूप को जानकर अपने जीवन को पुनः निर्माण करता है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर की 7 धातुओं में से वीर्य एक धातु है। वीर्य की रक्षा करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। इसकी रक्षा से शारीरिक और बौद्धिक बल की प्राप्ति होती है और बल बढ़ने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, जिससे सूक्ष्म विषयों पर भी आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। ब्रह्मचर्य के अनेक साधन है, जैसे भोजन, व्यायाम, उत्तम विचार, ईश्वर भक्ति, उत्तम ग्रंथों का अध्ययन। धन्यवाद दोस्तों।